और बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक की गई है। अहम बैठक में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक दो चरणों में की गई है। पहले चरण में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक हुई और दूसरे चरण में जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है। और जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस महीने की 31 तारीख तक हम सभी जिलों में बैठक करेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अब ये तो इतिहास है, आप सब जानते हैं, ये बेमेल गठबंधन है, इनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है और स्वार्थी लोगों का गठबंधन, जनता के विषयों को फेस ना करना पड़े इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन गठबंधन पलाप अलापते हैं। लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो कौन अखिलेश वखिलेश और किस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के लोगों ने अखिलेश यादव जी के बारे में, और अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के बारे में किस तरह सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, ये आप और हम सब